गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन द क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया था। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में हम जब पढ़ रहे थे तो कौन सा पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम जब पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मैंने आप लोगों को इसकी आइडेंटिटी भी बता दी थी। और मैंने ये बताया था कि इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो एक्शन होता है वो इंडेफिनेट होता है। इसके बाद जो मैंने बताया था कि इस टेंस में 6 सेंटेंस होते हैं, तो आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। सिंपल सेंटेंस था फर्स्ट, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जो दूसरा सेंटेंस था उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटरोगेटिव था, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव था, एंड फिफ्थ प्रोनाउन इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट प्रोनाउन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो लेसन्स आओ, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वो है सिंपल सेंटेंस, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। और इसे मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं हम, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। मैं एक बार वापस से रिमाइंड करवा देता हूं आप लोगों को, हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आज सिंपल सेंटेंस, और इसे हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस में कुछ रूल्स होते हैं, बताता हूँ। तो इसमें आप एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स जब बनाओगे। तो कौन सी लाइन लिखोगे? दियर आर सम रूल्स टू मेक सिंपल सेंटेंस, SENTEN सिंपल सेंटेंस। हाँ, देयर आर सम रूल्स टू मेक सिंपल सेंटेंस। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूल्स को, कौन से टेंस के रूल्स को? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स में कौन सा? सिंपल सेंटेंस। अब रूल्स क्या होते हैं, तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा ठीक है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए कि एक्शन कैसे होता है, और इसके साथ साथ और हमें ये मालूम होना चाहिए इसके रूल्स क्या होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। तो लेट्स स्टार्ट रूल फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, इसमें करेंगे हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं वी विल यूज एस और ईएस विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो अब समझे आप इस फर्स्ट रूल को ध्यान से। मैंने बताया फर्स्ट रूल में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस या ES का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, व्हाट इज द यूज ऑफ एस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ES। तो स्टूडेंट्स,
ये एस और ईएस का यूज जब क्लियर हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा मिस्टेक्स क्या करते हैं, इस एस या ईएस में ही करते हैं। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखते हैं तो स्टूडेंट्स एस और ईएस के यूज को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आज आप ढंग से समझे एस और ईएस के यूज को। तो फर्स्ट रूल मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट रूल है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं इंग्लिश में बता दूंगा आपको ये लाइन भी, ठीक है। तो अब सुनना, अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ एस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ईएस, कि इनका यूज क्या है। तो सुनना या यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग यूज ऑफ ईएस, ईएस का यूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली ध्यान से सुनना, ईएस का यूज कैसे करते हैं। तो सुने ध्यान से, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा वर्ब्स जो होती हैं, मैंने बताया था वर्ब्स जो होती है वो एक्शन होती है। मैं आप यहाँ पे एक चीज वो बता रहा हूँ, आज न्यू है आप लोगों के लिए, वर्ब क्या होती है अपने जो फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है, प्लूरल होती है। देखो वर्ब के साथ अपोजिट होता है, जैसे हम किसी नाउन को क्या करते हैं, जैसे ये बॉय है, अब इसको क्या मनाएंगे हम, प्लूरल मनाएंगे, ये सिंगुलर है, जब इसको प्लूरल मनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाता है, बॉयज, तो ये मतलब ये बन गया प्लूरल, ये क्या था, सिंगुलर। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो वर्ब होती है जैसे वर्ब है प्ले, ठीक है ना, ये क्या होती है, प्लूरल होती है, क्या होती है, प्लूरल। अब इसके साथ देखो अपोजिट है, नाउन के साथ तो क्या होता है, जब हमें इस सिंगुलर को क्या बनाना होता है, प्लूरल बनाना होता है, तो एस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, कि जब हमें किसी नाउन को, सिंगुलर नाउन को क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं वर्ब की बात करता हूँ, वर्ब अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। अब इसमें जब हम इसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर, तो हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर समझा देता हूँ आपको, आपको सोचने में लग रहा होगा अटपटा सा ये क्या हो रहा है, लेकिन रियल बात यही है कि जो वर्ब होती है अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, यही इंग्लिश ग्रामर का रूल है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत लाइए, ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। तो मैं अब यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूँ एस या ईएस का यूज समझा रहा हूँ, तो समझे। अब मैं सबसे पहले क्या समझा रहा हूँ आपको, यूज ऑफ ईएस। तो सुनना, तो जो वर्ब के लास्ट में, देखना वर्ब है उसके लास्ट में, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, सुनना क्या होना चाहिए, एस एच, ठीक है, सी एच, डबल एस, ठीक है, ओ, ठीक है, जेड, एक्स, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको उस वर्ब के लास्ट में आपको यदि ये वर्ड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, अगर ये आपको मिलते हैं किसी वर्ब के लास्ट में, तो आप किसका यूज करोगे, ईएस का यूज करोगे। मैं फिर आप लोगों को एक बार ध्यान से धीरे से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या होता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। ध्यान सुने क्या मैं, और अब इसमें मैंने फर्स्ट रूल में मैं समझा रहा हूँ आपको यूज ऑफ ईएस। तो देखो यूज ऑफ ईएस क्या करते हैं, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, किसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या आना चाहिए, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हम उस वर्ब के लास्ट में किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक स्टूडेंट्स,
देखते हैं फॉर एग्जांपल कैसे, पी यू एस एच पुश, देखो इनमें से कुछ ना कुछ आ रहा होगा, एस एच आ रहा है, पी यू पुश आ रहा है, तो अब इसमें पुश आ रहा है, देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए वर्ब के लास्ट में, नाउन के लास्ट में नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ब के लास्ट में, तो ये हर वर्ड क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए, तभी हम ऐसे इसका यूज करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुनना, पुश में क्या आ रहा है, ऐसे चाह रहा है, तो क्या जोड़ देंगे हम ई एस, तो क्या जाएगा पुशिश, ये लो पुशिश, समझ आ गया, तो ये पुशिश हो गया, पुश पुशिश, ईएस जुड़ गया, ईएस के जुड़ गया, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है एसएच, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ईएस, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यूज ऑफ ईएस में यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, एसएच सीएच डबल एस ओ जेड एक्स हो, तो क्या करते हैं ईएस का यूज कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैच, सी ए टी सी एच कैच, तो कैच ले रहे हैं कैच, तो कैच, तो सुनना कैच में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो क्या जोड़ देंगे ई एस, कैचिज कैचिज, समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है सी एच, तो क्या जोड़ देंगे ई एस कैचिज, तो देख स्टूडेंट ध्यान से समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं, डबल एस का एग्जांपल लेते हैं, सबको आ रहा होगा मालूम है डबल एस का पास, ठीक है, पास पी ए डबल एस पास, ठीक है, तो पास में डबल एस आ रहा है, तो क्या जोड़ देंगे हम ES जोड़ देंगे, passes, friends clear, क्या रहा है double S, क्या जोड़ देंगे ES passes। अब देखो O का लेते हैं, बहुत सिंपल सा है O का एग्जाम्पल, आ रहा होगा आपके माइंड में, क्या है G, तो देखना स्टूडेंट्स G, अब go नहीं बोलते से बोलते G, ठीक है ना, G, तो देखना G, तो अब इसमें क्या आ रहा है O आ रहा है लास्ट में, क्या जोड़ देंगे Gows, क्या जोड़ देंगे गव ई एस, तो क्या हो जाएगा गव्स, जी ओ ई एस गव्स, क्लियर, एग्जांपल समझ में आ रहा है। अब देखो एक और लेते हैं एग्जांपल जेड का, बी यू डबल जेड, बी यू डबल जेड, डबल जेड आ रहे हैं, तो क्या कर देंगे बजीज, बी यू डबल जेड ई एस बजीज, ठीक है, बजीज, बज मींस होता है मधुमक्खी का भिन भिन आना, हमिंग साउंड होता है ना, बज बज करती मधुमक्खी, बज, तो बज बजीज, ठीक है, तो बज मींस क्या होता है मधुमक्खी का भिन भिन आना या मक्खी का भिन भिन आना, तो बज बजिंग साउंड, ठीक है बजिंग साउंड। अब एक और लेते हैं एक्स का एग्जाम्पल, सभी जानते होंगे आप मिक्स, एम आई एक्स मिक्स, तो क्या हो जाएगा मिक्सिस, ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को पूरा समझा दिया है। तो हैव यू गॉट स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको यूज ऑफ ई एस का, ठीक है ना, तो जो यूज ऑफ ई एस है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, देखो फिर मैं बता रहा हूँ कंडीशन वर्ब होनी चाहिए, वर्ब के लास्ट में, फिर से सुन लीजिएगा, वर्ब के लास्ट में क्या जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, या फिर जेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए एक्स आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे उस वर्ब के लास्ट में ईएस जोड़ देंगे। तो आप ये मैंने मतलब वन वन एग्जांपल्स लिए हैं, आप और सर्च करें, ठीक है, कहीं से आपको मिलता है तो आप इनका यूज करें, लेकिन ध्यान रखना एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, ईएस का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट ओ, और क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तभी किसका यूज करेंगे हम, ईएस का यूज करेंगे, काय के अंदर, वर्ब के अंदर। अब समझो मैं इधर आप लोगों को एक बार थोड़ा सा और यूज ऑफ एस समझा देता हूं, यूज ऑफ एस, तो देखो ध्यान से यूज ऑफ एस कैसे करते हैं, जस्ट अपोजिट मान लो इसका, क्या वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में देखना, वर्ब के लास्ट में, ठीक है, क्या नहीं हो, एक तो एस एच नहीं हो, सी एच नहीं हो, डबल एस नहीं हो, ओ नहीं हो, ठीक है, और जेड भी नहीं आए, और एक्स भी नहीं आए, अगर ये नहीं आते हैं तो हम किसका यूज करेंगे,
एस का यूज करेंगे, तो देन वी विल यूज एस, एस का यूज करेंगे। हाँ, मैं समझा रहा हूं क्या यूज ऑफ एस, मैंने अभी आपको यूज ऑफ ये समझाया, यूज ऑफ एस समझे क्या है। यदि किसी वर्ब के अंत में एस एस सी एस डबल एस ओ जेड एक्स ना हो, ठीक है ना, क्लास में ना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। देखते हैं, आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है तो सुनिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, प्ले में आ रहे हैं क्या कोई से वर्ड, नहीं आ रहे ना, तो क्या कर देंगे हम, सिंपली एस का यूज कर देंगे, प्लेज। समझ में आया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ और आगे एग्जांपल लेके, जैसे आता है क्या कम, सी ओ एम ई कम, ठीक है, आ रहे हैं वर्ड, कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो क्या कर देंगे एस कम्स, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, तो क्या जोड़ देंगे एस, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा राइट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एस का प्रयोग भी हो गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यदि वर्ब के लास्ट में एस एच ना हो, सी एच ना हो, डबल एस ना हो, ओ ना हो, जेड ना हो, एक्स भी ना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, ओनली एस का यूज करेंगे। तो देखो प्ले में ये वर्ड्स नहीं आ रहे, क्या कर देंगे एस, कम में ये वर्ड्स नहीं आ रहे, क्या कर देंगे एस, राइट में ये वर्ड्स नहीं आ रहे, क्या कर देंगे एस। इस प्रकार से ये यूज ऑफ एस और ईएस को मैंने आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स इनको ध्यान समझना, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर आपने इनको ध्यान से नहीं समझा तो आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग करने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं एक बार फिर इसको सारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, हमने टेंस में कौन सा टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी मालूम होगा, ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा आते हैं। इसके बाद मैंने आपको लोग बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में कितने सेंटेंस होते हैं, 6 सेंटेंसेस होते हैं। फिर मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको रूल्स समझाए हैं। तो फर्स्ट रूल हो गया है, और फर्स्ट रूल क्या था, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, तो मैंने अब यहाँ पे फर्स्ट रूल में एस का और ईएस का यूज समझाया है। तो मैंने ईएस का यूज यहाँ बताया है, क्या बताया है, ईएस का यूज वर्ब के लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, वर्ब के लास्ट में अगर ये हो, क्या हो, एस एच हो, सी एच आ जाए, या फिर क्या जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, या फिर जेड आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, ईएस को एड कर देंगे। जैसे पुश, पुश में क्या आ रहा है एस एच, क्या कर देंगे ईएस, पुशिश। कैच में क्या आ रहा है सी ए, तो क्या कर देंगे कैचिस। इस प्रकार से ये ईएस का यूज हो जाता है। फिर मैंने बताया यूज ऑफ एस, यूज ऑफ एस मैंने क्या समझाया कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, एस एच नहीं होना चाहिए, सी एच नहीं होना चाहिए, डबल एस नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए, जेड भी नहीं होना चाहिए, और एक्स भी नहीं होना चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, फिर एस का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार लास्ट में वो समझ लीजिए यहाँ पे, कि जो मैंने बताया कि जो ये वर्ब होती है अपने सिंपल रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है, क्या होती है, प्लूरल। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वर्ब अपने सिंपल रूप में कैसे होती है, प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है, फर्स्ट वो समझ में आ गया होगा, मैं नेक्स्ट रूल पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल है, ज्यादा लंबा नहीं है नेक्स्ट रूल, जिस प्रकार से फर्स्ट रूल पढ़ा हमने, तो सेकंड रूल बहुत सिंपल सा है। उसमें क्या करना है हमको, देखना ध्यान से क्या करना है हमें, रूल नंबर टू में क्या है, आई
यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। मतलब क्या मतलब हो जाएगा इसका? जस्ट अपोजिट है, एस या एस का यूज करते हैं इनके साथ तो, और इनके साथ नहीं करते हैं। अगर आई आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो ना तो एस का यूज करेंगे ना ई एस का। अगर यू आ जाए तब भी क्या करनी करेंगे? ना तो एस का ना ई एस का। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी आ जाए तो ना तो एस का करेंगे ना ई एस का। और क्या आ जाए? दे आ जाए तो इसके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, ना तो एस का ना ई एस का। और प्लूरल नाउन भी आ जाए तो ना तो एस का यूज करेंगे ना ई एस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये रूल्स मालूम है तो आप सेंटेंस बना लोगे। जैसे अब मैं सेंटेंस थोड़ा सा मेकिंग करते हैं, जैसे अब इसमें एक फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, एफ ओ आर एम यू एल ए। फॉर्मूला क्या कहता है आइए एक बार और कर लेते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फॉर्मूला में क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वी फर्स्ट। फिर क्या आएगा? एस या ई एस, एस और ई एस। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आएगा? प्लेस। फिर क्या आएगा? टाइम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। मेन तो हमारा यहां तक ही हो जाता है, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, अब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो सेंटेंस मेकिंग में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है आप ही ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी, सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें पहचानना होगा कि टेंस कौन सा है, किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, जब हम एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उनके लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या क्या पड़ेगी, तो देखना। सबसे पहले हमें पड़ेगी आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए उस सेंटेंस की, उस वाक्य की। फिर उसके बाद में हमें टेंस मालूम होना चाहिए, कौन से टेंस में। इसके बाद में रूल्स, इसके बाद में आप रूल्स पता होना चाहिए आपको सेंटेंस रिलेटेड, और उसके बाद में फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपको ये मालूम है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्लियर? तो देखिए एक बार आप इससे अपना फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। फिर क्या है? वी फर्स्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, पहले क्या है? सब्जेक्ट। फिर क्या है? वी फर्स्ट। फिर क्या है? एस या ई एस। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? प्लेस। फिर क्या है? टाइम। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते रहो, स्टेप स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है, और फिफ्थ ये, और सिक्स्थ ये। आराम से आपका सेंटेंस बनता ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट सेंटेंस, राम रोजाना कक्षा में एक किताब पढ़ता है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, बहुत इजी है, आप आराम से समझें, ठीक है ना। अभी तो हम छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं, थोड़ा बाद में बड़े भी बना लेंगे, ठीक है। अब सुनना, राम रोजाना कक्षा में एक किताब पढ़ता है। तो सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अब हम सम सेंटेंस को पढ़ेंगे, राम रोजाना कक्षा में एक किताब पढ़ता है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इस सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी जब भी आपको पहचाननी होगी, जब भी आपको आइडेंटिटी के बारे में मालूम करना है, तो आप सेंटेंस के लास्ट में जाओगे और पता करना है कि आइडेंटिटी क्या है। जैसे सेंटेंस के लास्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ता है। तो अभी तो मैंने आपको एक ही आइडेंटिटी पढ़ाई है, तो जब मैंने एक ही आइडेंटिटी पढ़ाई तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन हम जब बहुत सारे टेंस पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी और लर्न भी करना होगा, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए।
तो देखो सेंटेंस के लास्ट में जो आइडेंटिटी है वो हम पहचानते हैं यहाँ पे ताहे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ताहे ती है ते है, ये कौन से टेंस की आइडेंटिटी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी है। हमने पहला काम कर लिया है। सेकंड जो हमें करना है सेंटेंस को पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। हमने देखो आइडेंटिटी पहचान ली, आइडेंटिटी हाँ टेंस ही पहचान लिया, अब सेंटेंस भी पहचान लेते हैं कौन सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए रहा हूँ सिंपल सेंटेंस वाजिब से। अभी तो हमें पांच सेंटेंस और पढ़ना है, अभी हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला और रूल्स आपको मालूम होना चाहिए कि रूल्स क्या है और फॉर्मूला क्या है। अब आपके सामने जैसे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाते हैं सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सुने ध्यान से, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। आपको पता लग गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस का सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ता है आ रहा है और सिंपल सेंटेंस है फर्स्ट। ठीक है ठीक है। अब सुनना सब्जेक्ट, ध्यान से पढ़ना सब्जेक्ट। वैसे तो आसानी से निकल जाता है सब्जेक्ट, क्यों? जो एक्शन करता है, जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप सबको मालूम है, जैसे इसमें एक्शन कौन करता, कौन कौन कर रहा है? राम रोजाना कक्षा में एक किताब पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पे एक्शन कर रहा है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है कि एक्शन कौन कर रहा है, तो आप क्या करो? WHO, who means होता है कौन या किसने, कौन या किसने। तो इस सेंटेंस से सवाल कर लो कि कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, ये लो सब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। फिर समझा रहा हूं, जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आ रहा है, तो आप इस सेंटेंस से क्या कर लो, सवाल कर लो कौन पढ़ता है, तो राम। तो हमें क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया राम। ठीक है, ध्यान रखना सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखना है आपको? कैपिटल लिखना है। से फर्स्ट सेंटेंस हमेशा क्या लिखना है? कैपिटल। तो राम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अपना फर्स्ट स्टेप खत्म। अब हम बढ़ते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या करेंगे हम? वी फर्स्ट। अब देखो वर्ब, जब भी वर्ब की बात होगी तो वर्ब हमेशा कहाँ मिलती है हमें? लास्ट में ही मिलती है। ठीक है ना, जैसे वर्ब क्या है? एक्शन कायम हो रहा है। ठीक है ना, देखो पढ़ना, ठीक है ना, ये वर्ब है पढ़ना। ठीक है ना, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड, RED, रीड। देखो सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई। अब थर्ड स्टेप कौन सी है? एस और ES। अब यहाँ पे एस का यूज होगा या ES का यूज होगा, ये हमको समझना है। तो मैंने आपको रूल फर्स्ट में, देखो रूल फर्स्ट में मैंने आपको एस और ES का यूज समझाया था, तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें मैंने एस में और ES के यूज में क्या समझाया था। देखते हैं इसमें एस का यूज होगा या ES का, देखते हैं। एस एस भी नहीं आ रहा, CH भी नहीं आ रहा, SS भी नहीं आ रहा, O भी नहीं आ रहा, X भी नहीं आ रहा, Z भी नहीं आ रहा, तो ES का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अगर वो आते तो ES का प्रयोग करते, अगर नहीं आ रहे तो किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था यदि वर्ब के लास्ट में SS, CH, SS, O, X, Z नहीं आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? केवल एस का यूज करते हैं। तो राम रीड्स। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड इज कंप्लीट। अब कौन सी बची? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे बाहर लाएंगे? इसका भी बहुत इजी है। या तो वोट लगाओ, यहाँ पे क्या लगा दो? वोट लगा दो या हुम लगा दो। वोट मींस क्या होता है? क्या, और हुम मींस क्या होता है? किसको, किसे। ठीक है ना, आप देखते हैं वोट सवाल करते हैं क्या पढ़ता है, सेंटेंस सवाल कर दो क्या पढ़ता है, आराम से आ जाएगा आंसर। एक किताब पढ़ता है तो क्या जाएगा? ए बुक। समझ में आया? ए बुक। तो जब भी आप वर्ड से ऑब्जेक्ट निकालोगे तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी होम से आप क्या निकालोगे, ऑब्जेक्ट निकालोगे, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। इस बात का जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, तो अब यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूंगा इस सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद में। तो आपको ऑब्जेक्ट निकालना आ गया, तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? सेंटेंस से क्या करना होगा? क्वेश्चन करना होगा। क्या लगा के? या तो वोट लगा दो या फिर हुम लगा दो। जैसे क्या पढ़ता है? वोट। क्या पढ़ता है? तो क्या जाएगा? ए बुक। तो
कि अपनी फोर्थ स्टेप भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या बचा, फिफ्थ में क्या आएगा, प्लेस। प्लेस में है देखो, हम प्लेस बोलते हैं, पैलेस नहीं बोलते हैं। पैलेस मींस तो महल होता है और प्लेस मींस स्थान होता है। तो इस प्रोनंसिएशन का थोड़ा सा आप क्या करो, अंतर करो, डिफरेंशिएट करो इसमें, ठीक है ना। प्लेस तो अब इसमें देखो, प्लेस मींस स्थान। स्थान क्या है, कक्षा में। और सिक्स स्टेप क्या बची, टाइम। तो टाइम क्या है इसमें, रोजाना। तो प्लेस लिख देते हैं पहले हम, इन क्लास, कक्षा में। और टाइम क्या है, रोजाना। तो क्या जाएगा, डेली या एवरीडे, दोनों से कर सकते हो आप। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, राम आ गया। कैसे आया, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है ना। या फिर हु से निकाल दो, कौन पढ़ता है, तो राम। अब यहाँ पे मैंने बताया वी फर्स्ट, ठीक है ना। तो वी फर्स्ट मैंने बताया था, वी फर्स्ट वर्ब कैसे आएगी, आपको वर्ब के लिए लास्ट में जाना होगा। देखो लास्ट जाते तो पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़ना आया, रीड। फिर इसके बाद में बताया एस या एस का यूज कैसे होता है, मैंने आपको रूल समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप उनको एस या यूज का, एस या एस का यूज भी मैंने बता दिया था और आपने यूज कर दिया। फिर मैंने बताया ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, या तो वोट लगाओ या फिर हुम लगाओ। तो क्या आ गया, तो क्या पढ़ता है, एक किताब। तो क्या आ गया, ए बुक। अब क्या बचा फॉर्मूला में, प्लेस। तो प्लेस क्या है, सबको, कक्षा में। तो क्या जाएगा, इन क्लास। अब टाइम क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो रोजाना, डेली। तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया, हमारा रेडी हो गया। तो आपको ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं आप स्टार्टिंग में बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस बना रहे हो। आपको शॉर्ट सेंटेंस बनाने, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, ताकि धीरे धीरे हमारा क्या हो, प्रैक्टिस हो, हमारा सेंटेंस कवर हो। जैसे अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है राम, तो ये डेफिनेट सब्जेक्ट है या इनडेफिनेट है, आपने पढ़ रखा है ना, मैंने बताया था आप लर्न भी करना, तो आपको मालूम होगा ये कौन सा सब्जेक्ट है, डेफिनेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था इट और दियरी क्या होता है, इनडेफिनेट। अब इसमें वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब देखो ये तो क्या हो गया, डेफिनेट सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ये ए बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद करो क्या बताया था मैंने, लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन लिविंग, तो कौन सा जाएगा, डायरेक्ट। और लिविंग में कौन सा आता है, इनडायरेक्ट। इस प्रकार से हमने क्या पहचान लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट पहचान लिया कौन सा है, वर्ब भी पहचान ली और बुक भी हमने पहचान ली, ये तो प्लेस है, ये टाइम है, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखें छोटा सा, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, देखना दूसरा एग्जाम्पल कैसे समझाता हूं मैं आपको, देखना। मैं रोजाना रसोई में भोजन पकाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है ये, मैं रोजाना रसोई में भोजन पकाता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, सुनना। देखो आइडेंटिटी क्या है, ता है, ती है, ते है, कोई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पकाता, कौन पकाता है, मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या आ गया, आय, ठीक है ना, आय आ गया। वर्ब देखो, इसमें बताओ वर्ब क्या है, लास्ट में ना वर्ब बताया था ना, वर्ब कैसे निकालते हैं, लास्ट में। तो पकाना, कुक, सी डबल ओ के, कुक, ठीक है। तो ये कुक। अब देखो यहाँ पे हमें यूज करना है एस या एस का, तो एस का यूज करूं या एस का, या फिर दोनों का ही नहीं होगा। तो इसमें रूल कौन सा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड। देखो फर्स्ट क्या है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस एस का यूज करते हैं। और सेकंड क्या है, आई, यू, We, they, and plural noun के साथ किसका यूज करते हैं, एस एस का यूज करते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो हम ना तो एस का यूज करेंगे ना ही ई एस का, तो दोनों का यूज नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा चेंज किया था यहाँ पे सब्जेक्ट में। अब ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड भी हो गई, तो एस एस का यूज करना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो अब सुनना नेक्स्ट, अब क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को बाहर लाने के लिए क्या लगाते हैं, वोट या हुम। तो पहले वोट लगाओ, क्या पकाता है, भोजन। तो क्या जाएगा, फूड, एफ डबल ओ डी, फूड।
समझा गया। अब देखते हैं प्लेस, प्लेस क्या है रसोई में, तो क्या जाएगा इन किचन, के आई टी सी एच ई एन किचन, ठीक है। अब देखो टाइम क्या है, रोजाना वही डेली डी ए आई एल वाई, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया आई कुक फूड एंड किचन डायरी। हैव यू गॉट स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी समझाया है, तो आप लोगों को ये सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा ध्यान से, तो इसको ध्यान से क्या करें देखें। मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये आगे समझ में, तो देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझते रहिए, आराम समझ में आएगा। मैंने दो एग्जाम समझा दिए, एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखना वह बगीचे से एक फूल तोड़ता है, ठीक है। अब देखना मैं एक को ले लेता हूं यहां पे, हम तोड़ते हैं, तो दो एग्जाम्पल है, एक बहुत छोटा ले लिया मैंने सेंटेंस, ठीक है ना, छोटे सेंटेंस बहुत परेशान करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे वह बगीचे से एक फूल तोड़ता है, तो पता लगाओ सब्जेक्ट कौन सा है, क्या है सब्जेक्ट, लगाओ हु, लगाओ कौन, कौन है किसने, कौन तोड़ता है, वह, तो क्या जाएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़ना, ठीक है ना, तोड़ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, तो फूल तोड़, जब भी हम फूल तोड़ते हैं तो ब्रेक नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं करते, क्या करते हैं प्लक, पी एल यू सी के, इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम फूल तोड़ते हैं तो क्या करते हैं प्लक, ब्रेक मत कर देना, ठीक है ना। तो सुनना ये वी फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, अब ये वी फर्स्ट आ गई प्लक, अब देखते हैं एस का यूज होगा या एस का, बताओ स्टूडेंट्स एस का या एस का, ठीक बोला आप लोगों ने, एस का यूज करेंगे, एस का नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्ड्स नहीं आ रहे, तो क्या जाएगा प्लक्स, तो ही प्लक्स। अब ध्यान से सुनो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है, वॉट या होम लगाओ, तो वॉट लगाते हैं, क्या तोड़ता है एक फूल, क्या जाएगा ए फ्लावर, ए फ्लावर ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अब ध्यान सुनो आगे, इसके बाद में क्या बचा, प्लेस देखो है क्या सेंटेंस में, हाँ है भाई बगीचे से, और टाइम है क्या, नहीं है टाइम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो है वो लिख दो। जैसे से के लिए क्या करते हैं फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम, अब बगीचे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी सब जानते हैं, गार्डन, जी ए आर डी ई एन गार्डन, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम दौड़ते हैं, अब ना तो इसमें देखो हम दौड़ते हैं कि दो ही, वन टू थर्ड, ये तीन ही वर्ड आ रहे हैं, थ्री वर्ड्स हैं, तो ध्यान से बनाइए। तो पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, कौन दौड़ता है, तो हम, तो क्या जाएगा वी, ठीक है। फिर क्या आएगा वी फर्स्ट, दौड़ना, क्या जाएगा रन। हाँ स्टूडेंट्स एस लगाऊं या ई एस लगाऊं या कुछ भी नहीं लगाऊं, अच्छा कुछ भी नहीं आएगा, वेरी गुड, कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूल नंबर कौन सा लग रहा है सेकंड, आई यू वी दे एंड लर्न नाउन, क्या आ रहा है सब्जेक्ट यहाँ पे वी, ना तो एस का यूज करेंगे ना ई एस का। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना, प्लेस इसमें है नहीं, टाइम इसमें है नहीं, बस क्या लगा दो फुल स्टॉप लगा दो। इस बात का ध्यान जरूर रखना कि सेंटेंस खत्म होने पर आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इन रूल्स को ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आगे जब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा तो ये रूल्स बहुत काम में आने वाले, फॉर्मूला बहुत काम में आने वाले, क्योंकि इनसे संबंधित ही चीजें आएगी बाद में। ऐसा नहीं कि आप आइडेंटिटी भूल जाओ, ठीक है ना, ये पहले वाले रूल्स भी भूल जाओ। तो एक बार पूरा क्या करना, लर्न कर लेना, पूरा समझ लेना और अपने नोट्स बना लेना ये होमवर्क के तौर पर, और इनको लर्न जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही समझाऊंगा मैं, और आज के लिए इतना ही काफी है। तो अलविदा लेता हूँ आप लोगों से स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।